अस्सलामुअलैकुम यार, बहुत सारे लोग कह रहे थे अली भाई सोनी एक्सपीरिया 5 आज के टाइम पे लेना चाहिए या नहीं, और इसकी प्राइस पीटी टैक्स क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा भाई टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सोलो में स्टार्ट हो रहा है, क्लासिक का इरेंगल में, ठीक है। तो जिसने भी ज्वाइन करना है भाई सभी आ जाना, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, तो सभी को मैं ज्वाइन करवा दूंगा भाई। 100 के 100 बंदे मुझे पूरे ही चाहिए, ठीक है। एंड पे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो भाई इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और इसके अलावा 3100 mAh की बैटरी है, और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी इस डिवाइस में देखने को मिलती है। तो आज ही मैंने अपनी शॉप से पता किया है भाई, ये डिवाइस आपको तकरीबन, आपको मैं इसका टैक्स बताऊं तो 6200 के आसपास इसका टैक्स है, ठीक है। और ये डिवाइस नॉन पीटीए में आपको 28,000 तक 29,000 तक मिल जाती है, और पीटीए अप्रूव में ये डिवाइस आपको तकरीबन 35,000 तक मिलती है भाई। और इसमें एक्सीडेंटल टच इशू तब आते हैं जब आप कंटिन्यूसली अपडेट वगैरह करते रहते हो, तो अपडेट करने से आपको पता है किट मोबाइल में मसले मसाइल आते हैं। तो मैं आपको कभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप लोग अपडेट करते रहें, अपडेट आप बिल्कुल मत करिएगा इस डिवाइस को, ठीक है। जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस अभी है ना, इसी तरह की आगे भी रहेगी अगर उसमें कोई, लेकिन यह है कि अगर आप अपडेट करते रहोगे तो मसला मसाइल आ सकता है, ठीक है। तो आप अपडेट कभी भी मत करना। और अभी अगर इसकी परफॉर्मेंस को लेके बात करें, तो बहुत सारे लोग आपको पता है कि इसको कैमरा और गेमिंग के लिए लेते हैं, तो कैमरा के लिए तो ये डिवाइस ठीक ठाक है। और यहाँ पे जहाँ तक रहेगी बात भाई TDM की, तो 240 Hz का इसमें आपको टच सैम्पलिंग भी देखने को मिलता है, और टच सैम्पलिंग मैंने खुद ही टेस्ट करा है, वो इतनी जाते हैं, ठीक है। टच सैम्पलिंग भी ठीक ठाक है, TDM में कनेक्टिविटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। इस कूलिंग फ़ैन आपको साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। कूलिंग फ़ैन के बगैर ये डिवाइस 1 TDM के बाद हीट हो जाती है, और हीट होने के बाद आपको पता है कि परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाती है, तो आपको कूलिंग फ़ैन तो लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। बाकी क्लासिक को यहाँ पर बात करें, क्लासिक को लेकर, तो क्लासिक में भी ये डिवाइस कूलिंग फ़ैन लगा के भाई ठीक चलती है। बाकी इसकी कनेक्टिविटी मैं आपको इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी TDM में कनेक्टिविटी कितनी है। और क्लासिक में FPS भाई ठीक ठाक रहते हैं कूलिंग फ़ैन के साथ, मतलब इतना ड्रॉप नहीं होते अगर आप मतलब नॉर्मल लॉबी में खेलोगे तो। हाँ, अगर आप रश वाली जगह पे उतरते हो वहाँ तो FPS से सारी डिवाइसेस के ड्रॉप होते हैं, और इसमें भी ड्रॉप होते हैं। और बाकी क्लासिक टूर्नामेंट्स जो मतलब कि स्क्रीम्स वगैरह होती हैं, जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे इसके FPS बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं। जो नॉर्मल क्लासिक टूर्नामेंट्स होते हैं जिस तरह मैं करवाता हूँ, उसमें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी लॉबी ही ऐड करते हैं। बाकी जो अदर कंट्री वाले लोग खेल रहे होते हैं बाकी टूर्नामेंट्स में, ठीक है, वहाँ पर MS का भी मसला होता है, और वहाँ पर मतलब कि FPS ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे अली भाई सोनी एक्सपीरिया 5 लेना चाहिए या फिर मोटो एच 2021 लेना चाहिए। तो यार इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरा फेवरेट जो है ना वो मोटो एच 2021 है, क्योंकि उसकी TDM की कनेक्टिविटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ये देख लो जिस तरह रेडमी K40 गेमिंग जो मेरी डिवाइस है ना, उसमें जितनी कनेक्टिविटी है ना वो 80-90 हज़ार की है, उसी लेवल की आपको कनेक्टिविटी मोटो एच 2021 में देखने को मिलती है। 570 Hz का टच सैम्पलिंग है, ठीक है। और इस डिवाइस को मैंने खुद ही खेल के देखा है भाई, एंड लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। और शॉप पे भी थी एक दो सौ मतलब कि सेल आउट हो चुकी हैं, तो बहरहाल एक लड़के के पास भी थी, उसने भी अभी सेल कर दी है। लेकिन यह है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नॉन पीटी में ये डिवाइस आपको 25 से 27 हज़ार तक मिल जाएगी, तो अगर आप लोग नॉन पीटीए पे कम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ये डिवाइस एक परफेक्ट ऑप्शन है। सोनी एक्सपीरिया 5 से भी इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी भाई जिसने टूर्नामेंट खेलना है तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। इस दफ़ा 100 के 100 बंदे भाई मुझे पूरे चाहिए, ठीक है। और एंट्री फीस मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ 100 रुपये एंट्री फीस रख रहे हैं फी प्लेयर की, मतलब कि एक ही प्लेयर की ना, और 5 एडमिन्स भी हैं, सारा कुछ संभालना भी मैंने होता है, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम पर मैचेस होंगे, जितने भी मैचेस होंगे, सिर्फ 100 रुपये एंट्री फीस होगी। बाकी प्राइस पूल भी दिया जाएगा जो विन करेगा क्लासिक का, एक ही मैच होगा, ठीक है, एक ही मतलब के इरेंगल का हम लोग मैच रखेंगे, उसमें 100 प्लेयर जितने भी आप लोग आ जाएंगे तो वो कर देंगे, और प्राइस पूल भी उसी हिसाब से आप लोगों को दे दिया जाएगा जो भी लोग विन करेंगे, मतलब कि जो भी बंदा विन करेगा। और यहाँ पे ये भी चक्कर नहीं होता इस क्लासिक टूर्नामेंट में कि कोई बंदा प्रो प्लेयर है, ठीक है, वो मार जाएगा, इस तरह कोई चक्कर नहीं होता भाई, आप कैंप करके भी जीत सकते हो, सही है। अब जो पिछला टूर्नामेंट क्लासिक का हुआ था, वहाँ पर जितने भी प्रो प्लेयर थे वो सारे ही पहले मर गए थे। K-Note हो गया, आपको पता होगा, हसलान हो गया, बाकी जितने भी प्रो प्लेयर थे ना वो पहले ही मर गए थे कैंपर्स के हाथों, ठीक है। और वहाँ पर भी एक अननोन बंदे ने वहाँ पर विन किया था टूर्नामेंट, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। ये आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ मैं टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जितने भी लोग कह रहे हैं अली भाई टूर्नामेंट करवाएं, लाइव स्ट्रीम पे होंगे तो सारे लोग आ जाना, और इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करें भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई आप लोगों का मैच देख के, ठीक है, क्लासिक टूर्नामेंट का। तो भाई सारे लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे कि अली भाई टूर्नामेंट खेलना है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ का आपने पूछना हो या किसी भी डिवाइस का पूछना हो तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको पता है कि मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।